नमस्कार भाइयों बहनों और सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी लोग मुझे पूरे दुनिया भर से किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आया है। भारत देश के नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा था। साथ ही में इसके लिए इसके अलावा CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी जो आपके 7 तरह के फोर्सेस हैं पूरे देश में, CAPF के अंदर BSF ITBP और SSF और जो भी आपके 7 तरह के फोर्सेस जो भी CAPF में आते हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और CAPF के अंदर भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट चल रहा था, जिसके रिगार्डिंग आपका अभी डिक्लेरेशन आ चुका है। मतलब कह दिया गया है SSC द्वारा कि आपका जो PET हुआ था, फिजिकल आपका एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नाम का जो एग्जाम हुआ था वो आ चुका है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ PET एंड PST फॉर अपियरिंग इन पेपर 2। मतलब अब आप लोग PET में पास कर चुके हैं और अब सभी लोग अब पेपर 2 में जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आपको बता दूं, ये वीडियो उन्हीं के लिए रहेगा और इस रिक्रूटमेंट में पूरे देश से, पूरे भारत देश से अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम हुए थे, पूरे देश में हुए थे, पूरे भारत में हुए थे। और इसके अंदर आपकी जो अब कट ऑफ आई है यानी PET में क्या कट ऑफ गया है कि कितने लोग पास कर पाए हैं, किस मार्क्स पर, किस कैटेगरी वाइज और क्या वैकेंसी इस बार रही है और कितने लोग अब पास करके सेकंड पेपर में जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस होगा। दूसरा ये बताया जाएगा कि जो अलग अलग लिस्ट है, आपको बता दूं यहाँ पर आपकी अलग अलग लिस्ट आई है। 3 तरह की लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि आपकी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर और CAPF सब इंस्पेक्टर में चल रही थी 2023 वाले ईयर की, उसके लिए अब वो लिस्ट आपके साथ डिस्कस हो रही है। तो सभी लोग ध्यान से सुने, ये वीडियो सिर्फ भारत के लोगों के लिए रहेगा, भारत देश के लोगों के लिए वीडियो खास रहने वाला है। तो सभी लोग, सभी भाई बहन इस वीडियो को आखिर तक सुने एवं देखें क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए जरूरी होगा। अब बात आती है इसके इसके अंदर की जो आपका ये नोटिस है, इसके लिंक मैंने आपको दे दिए हैं, इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस जो कर रहा हूँ मैं, ये सारा कुछ मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। सबसे पहले ये SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो यहाँ से भी आपको ये नोटिस दिख जाएगा। अगर बात करें तो ये 20 दिसंबर को आया है, 20 दिसंबर यानी कि परसों के दिन ये आया था, जहाँ पर ये सारा कुछ दिया गया है जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सब इंस्पेक्टर और CAPF के अंदर हो रही थी ये रिक्रूटमेंट, तो इसका PET और PST का रिजल्ट आ गया है। आप सब लोग आप पेपर 2 में जो जा रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। रिजल्ट ऑफ पेपर 1 जो रहा है, आपका पेपर 1 हो चुका है ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और CAPF एग्जाम 2023 का, जो डिक्लेयर कर दिया गया था आपका 25 अक्टूबर को 2023 में इसका रिजल्ट आया था। और वेयर इन जहाँ पर ये देखा गया कि 31,277 लोग ही सिर्फ इसको पास कर पाए थे यानी क्वालिफाइड हुए थे, 31,277 लोग यहाँ से पास कर गए पेपर 1 को। सब्सिक्वेंटली फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो था इन सारे लोगों का जो भी पास कर गए थे वो कंडक्ट करा दिया गया, और इसकी जो समरी ऑफ रिजल्ट है इसकी है, वो अब यहाँ पर दे दी गई है। आपको बता देता हूँ यहाँ पर टोटल 31,227 लोग है यहाँ पर। अब देखिए इसमें कुछ करेक्शन है, या तो ये 227 है या फिर ये 277 है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप अगर देखते हो यहाँ पर इन्होंने 27 दिया है और इसको 77 कर दिया है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा 7 और 2 में करेक्शन रहेगा, वो SSC द्वारा यहाँ पर मिस्टेक है। और आगे आपको बता दूँ, एबसेंट आप ये समझिए 13,650 लोग यहाँ पर नहीं गए इस फिजिकल टेस्ट को देने, और टेम्प्रोरी अनफिट एक कैंडिडेट अनफिट रहा। टोटल अगर बात करें तो इस टोटल PET के अंदर 8,543 लोग पास कर गए हैं इसको, और द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड जो क्वालिफाइड करे हैं वो एलिजिबल हैं कि वो अपियर होंगे पेपर 2 में। द ब्रेकअप ऑफ दिस कैंडिडेट इज एज फॉलो, और मैंने इसके बारे में आपको पहले ही क्लियर करा था कि भाई इसका रिक्रूटमेंट, इसका जो एग्जाम हो रहा था वो चेंज हो गया था, उसका स्केड्यूल जो दिया गया था वो बदल गया था, जो कि आपको मैंने क्लियर कर दिया था। तो अब इसमें ये बोला है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द PET और PST आर नाउ एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन पेपर 2। अब
कैंडिडेट किस कैटेगरी वाइज कितने सिलेक्ट हुए वो मैं आपको बताया था। ब्रेकअप ऑफ दिस कैंडिडेट इज एज फॉलो। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में अगर देखें तो EWS कैटेगरी वाले 120 लोग पास कर गए हैं, और अनुसूचित जाति से 78 लोग, और अनुसूचित जनजाति से 55 लोग हैं, OBC से 222 लोग पास कर गए हैं, और UR से 146 लोग। टोटल महिलाओं में 621 महिलाओं ने पास करा इस एग्ज़ाम को, जो कि फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहा था, जिसमें आपकी रनिंग रही थी, और आपका रनिंग के अलावा भी अलग अलग टास्क रहे होंगे। आपको बताया गया था नोटिफिकेशन के समय, उस वाले वीडियो को जाकर सभी लोग देखें जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। अभी हो सकता है 2024 वाले ईयर में नोटिफिकेशन जो आपका आएगा सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए रेडी रहे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब मेल की बात करें तो मेल आप यहाँ से देख सकते हो कितने लोग अपने आप को लिस्ट में देख सकते हैं। तो मेल लोगों में बता दूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल, मतलब कितने लोगों को यहाँ पे लिस्ट में अपने आप को देख सकते हैं। तो पुरुषों की बात करूँ तो पुरुषों में UR कैटेगरी से 2172 लोग हैं, और OBC से, UR मतलब जनरल कैटेगरी वाले और OBC वाले 3120 हैं, अनुसूचित जनजाति 481 है, अनुसूचित जाति 898 है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले 1252 है। टोटल यहाँ पर आपको दिखेगा कि 7923 लोग पुरुषों में सिलेक्ट हुए इस जॉब के लिए। अभी इनको जॉब नहीं मिली है, ये लोग अभी जाएंगे सेकंड पेपर देने। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देख लेनी है। अभी ऐसे 68 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, इज़ एज पर लिस्ट थ्री। लिस्ट तीसरी लिस्ट के हिसाब से आप ये देखोगे कि 68 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी थोड़ा करेक्शन में है, या फिर अभी सही से आया नहीं है। पेपर टू जो है वो आपका अब 8 जनवरी को हो रहा है। पहले आपको पता होगा इसका डेट अभी ही था, अभी दिसंबर में ही होने वाला था, लेकिन इसको चेंज कर दिया, इस डेट को ये 8 जनवरी को होगा। और एडमिशन सर्टिफिकेट जो रहेगा वो इश्यू हो जाएगा कि किस लोगों को जाना है 8 जनवरी को अपना एग्ज़ाम देने, वो आपको मिलेगा दिसंबर एंड तक। तो ये सारी जानकारियाँ थी, मतलब कि कट ऑफ और वो सब तो आप देख ही रहे हैं कि PET इतने लोगों ने पास करा है। बाकी इसकी डिटेल चीज़ आगे आने वाली है, तो आप उसके लिए जुड़े रहें। तो ये आपके लिए अपडेट था कि आप लोग टोटल 8543 लोग यहाँ से सिलेक्ट होकर अब आगे सेकेंड पेपर में जा रहे हैं। चलिए हम SSC की वेबसाइट से आपको रिजल्ट सेक्शन में लेके चलते हैं। रिजल्ट सेक्शन में हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आप CAPF वाले ऑप्शन में आओगे तो आपको तीन नोटिस दिखेंगे। आप देखो, एक आपको ये वाला दिख रहा है जो कि लिस्ट थर्ड है, और सेकंड लिस्ट ये है, और फर्स्ट लिस्ट ये है। अब इन तीनों लिस्ट में मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। पहली लिस्ट महिला जो भी लोग सिलेक्ट हुए उनकी है, सेकंड लिस्ट पुरुषों की है, और जो थर्ड लिस्ट है वो उन लोगों की है जो लोग, आपने भी देखा होगा मैंने 68 कैंडिडेट्स के नाम लिए थे अभी, वो लोगों को उनका रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, तो इनके रिजल्ट में थोड़ी शायद गड़बड़ाई है, या फिर थोड़े चेंजेस होंगे, ऐसा कुछ है। इस वजह से लिस्ट थ्री को आप कंफर्म नहीं मान सकते, एक अभी टेम्परेरी मान सकते हैं, लेकिन लिस्ट वन और सेकंड वाले लोग कंफर्म्ड पास्ड हो चुके हैं। तीनों लिस्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिस्ट पर चलते हैं। पहले लिस्ट में जो महिलाओं की लिस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो सुनैना सरमन, रोल नंबर 10040072 67 है, और डेट ऑफ बर्थ 1998 के फेब्रवरी मंथ के 7 तारीख का है, और कैटेगरी वन उनकी रहती है अनुसूचित जाति वन। फिर यहाँ पर प्रीति, पूनम और उर्वशी, मोहिनी और पूजा देवी, निकिता और लविका, अंकिता, शिवानी, स्वाति, गीत और गीतिका, विशाली और शिवाती, साक्षी शर्मा, मोनिका, सपना और नेहा, प्रीति शिवानी, बबीता और वंदना शर्मा, ममता, तन्नू चौहान, अनीशा तोमर, सुमन जोशी और रंगीता जैसे कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं लिस्ट में। तो आप लोगों को इस तरीके से लिस्ट चेक करना है। इस लिस्ट में आपको रोल नंबर डालना होगा, उससे आपको रिजल्ट अपना देखने को मिल जाएगा। बात करें तो महिलाएं टोटल जो सिलेक्ट हुई हैं इसमें पास कर पाए हैं वो लोग हुए हैं 621 लोग। 621 महिलाएँ जो है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए पास कर पाई हैं इस एग्ज़ाम को, और CAPF के अंदर भी आप इसमें आपको देखने को मिलेगा। अभी इनको एक्चुअल पोस्ट नहीं मिली है, इनका पेपर सेकंड अभी रह रहा है।
सेकंड लिस्ट की बात करते हैं। सेकंड लिस्ट में आपको सारे पुरुषों के नाम दिखेंगे। पहले नंबर पर अशोक कुमार है, और उसके बाद मोहम्मद सादिक है, शुभम कुमार, सुनील कुमार, नरेंद्र चौधरी, रविंदर कुमार, संदीप और हवा सिंह, दीपक सिंह जामवाल, सचिन कुमार, रघुदेव सिंह, अतुल शर्मा, विनय विशाल लखोत्रा, दीपक राज और मोतुप नमगियाल, मोहम्मद शफी दर और विनय सरोज, देवेंद्र भगत, आदित्य सिंह और जगनदीप सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुनील दत्त पारस और राम भगत, अभिषेक कुमार और भूषण सरंगल, वरुण शर्मा और अश्वनी कुमार, नीरज शर्मा, अरुण चौधरी। और इस तरीके से आप सारे अपने अपने लिस्ट में नाम चेक कर सकते हो। अभी आपको नाम के साथ इसमें रोल नंबर मैच करना होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आप ही का वो रिजल्ट है। टोटल मेल कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से, वो ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। आप अगर देखते हो तो 7,855 पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इस लिस्ट में। तो सभी लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लिस्ट थर्ड की बात करते हैं। विद हेल्ड कैंडिडेट्स हैं ये। विद हेल्ड मीन्स क्या है, मैंने आपको अभी आगे क्लियर करा था, मैं एक बार दोबारा दिखा दूँ ये वाला पॉइंट। मेल प्रैक्टिसेस फॉर फर्दर स्क्रूटाइनी, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि इनके रिजल्ट में कोई करेक्शन रहे, तो आप इसको कंफर्म अभी नहीं माने, वही सब है यहाँ पर। मैं एक बार आपको और थोड़ा इसमें क्लियर करता हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग। हाँ, तो हो सकता है इनका रिजल्ट अभी, हो सकता है इसमें करेक्शन रहे, ठीक है। तो ये इसमें आप इसको कंफर्म मत मानना, थर्ड वाले लिस्ट को, जिसमें आपको रोल नंबर देखने को मिलेंगे। ये सारे रोल नंबर उन्हीं कैंडिडेट्स के हैं जिनके रिजल्ट अभी नहीं दिए गए हैं। तो ये पूरा रिजल्ट हमारा डिस्कस हो गया। मैंने इसको टेलीग्राम पर, अगर आप कहते हो तो टेलीग्राम पर दे देंगे, और बाकी आपको वीडियो के नीचे ये सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। तो लिस्ट में इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। और आपका 8 जनवरी, 8 जनवरी को अब इसमें सेकंड पेपर होने वाला है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। सिलेबस वही रहेगा जो नोटिफिकेशन में आपका आया था। तो ये आपके लिए अपडेट था। और इसमें कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो नहीं समझ आता, आप कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया में फैलाओ। भारत देश में एक एक गली मोहल्ले तक इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि ये पूरे ऑल इंडिया बेस्ड अपडेट था। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।